दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में बाटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन मसाला बाटी की तो बात ही कुछ और होती है। वैसे तो इसको ओवन में बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको बिना ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है, आटे के साथ में ही हम नमक ऐड कर रहे हैं, और नमक ऐड करने के बाद में हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। इसके बाद में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों चीजें ऐड करना जरूरी है फ्रेंड्स। एक छोटा चम्मच जितना मैंने घी डाला है, इसमें बहुत ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं होती है, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाली हुई है। तो सामग्री की लिस्ट मैंने वीडियो के लास्ट में दे दी है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसे हम चपाती का लगाते हैं ना, एकदम वैसे ही सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत थोड़ा सा घी ऊपर लगाएंगे हम इसके, और 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसमें थोड़ा सा मटर डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। इसके बाद में हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ऐड किए हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद हो तो आप नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से इसकी स्टफिंग हम बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने इस तरह का एक स्टैंड लगा लिया है, और अब स्टैंड के ऊपर हम एक थाली रखेंगे इस तरह की, जैसे चारों तरफ थोड़ी सी हीट आने के लिए जगह हो। ठीक है, अब इसको हम ढक करके प्री हीट करेंगे, जैसे हम ओवन को करते हैं, तंदूर को करते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इसको प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और तब तक हम अपनी बाटी बना करके तैयार करेंगे। बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बाटी किस तरह से बनानी है ये देखिए, आटे को हम एक बार थोड़ा सा नीड और कर लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं, इस तरह से हम इसको बॉल जैसा बना लेंगे। अब हम हाथों की सहायता से इसको फैलाएंगे, ये देखिए एकदम सॉफ्ट इतना डो होना चाहिए कि आसानी से वो फैल जाए। इस तरह से हम इसको फैलाते हुए कैविटी जैसा बना लेंगे, जिससे इसमें अंदर स्टफिंग फिल कर सकें। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे अपनी, ये देखिए, और स्टफिंग को अंदर दबाते हुए किनारे ऊपर की तरफ उठाएंगे, और इसको अच्छे से दबाते हुए हम इसको पैक कर लेंगे। अगर थोड़ा खुला रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम ऊपर ये अंगूठे का इम्प्रेशन लगाएंगे, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। तो हमने ये सारी बाटियां बनाकर तैयार कर ली है, थोड़ी सी स्टफिंग हमारी बच गई है। यहाँ पर हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है, तो हम थोड़ा सा घी प्लेट के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे बाटी चिपके नहीं, वैसे तो नहीं चिपकेंगी, पर फिर भी थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम बाटी सेट कर देते हैं, जितनी बाटी एक बार में आ सके, क्योंकि बाटी बाद में फूलती भी है, तो हमने 4 बाटी इसमें सेट की है। अब हम इसको ढक देंगे, और ढक करके मीडियम हाई फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। दोनों तरफ से हम इसको गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे, पलट पलट कर सेकना है हमें, हर 5 मिनट में 3 मिनट में इसको हम चेक करते रहेंगे और पलटते रहेंगे। तो एक तरफ से सिक चुकी है, तो हम इनको पलट लेते हैं। देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है, तो इस तरह से हम बार बार इनको पलटते रहेंगे आगे पीछे से, और मीडियम हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक हम इनको सेकेंगे अच्छे से। अगर आपके पास तंदूर है तो सेम इसी तरीके से आप तंदूर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे घी और ग्रीस कर रही हूँ ऊपर से, ताकि इसमें और अच्छा सा कलर आ जाए। और आप देख सकते हैं कि इसके जो किनारे हैं ना, वो किस तरह से इसमें दरारें आ गई हैं, इसका मतलब हमारी बाटी जो है बहुत अच्छे से सिक रही है। यहाँ पर हमारी बाटी का कलर गोल्डन कलर आ गया है, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े की सहायता से बाटी को बीच में से इस तरह से फोड़ेंगे, ये देखिए, और ये देखिए इस तरह से जगह इसमें बन जाती है बीच में। और अब हम घी को इसके अंदर फिल करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। यही तरीका होता है जिस जो बाटी के अंदर जो घी फिल किया जाता है ना, इसी तरीके से किया जाता है। तो बाटी काफी गर्म होती है, तो आप कपड़े की सहायता से फोड़ लें, या फिर आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं। अगर बाटी थोड़ी ठंडी हो जाती है तो आप हाथ से भी उसको फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी बाटियां बनकर के तैयार हो चुकी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी यम्मी लग रही हैं, बहुत टेम्पटिंग है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।